सब्सक्राइब कीजिए इंतजार मलिक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि लेटेस्ट होम कलर डिजाइन वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंतजार मलिक और इंतजार मलिक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये है जेके वॉल पुट्टी। जेके वॉल पुट्टी को हम अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे, चाहे हाथ से बनाए चाहे मशीन से बनाए, उसको अच्छे से पेस्ट बनाएंगे उसका। ये मैंने इसमें वाटर पेंट मिक्स किया है। दोस्तों, आप कोई भी वाटर पेंट मिक्स कर सकते हैं। ये है दोस्तों 9 इंची का दाने वाला रोलर। इसको दाने वाला रोलर बोलते हैं, यानी कि टेक्चर रोलर। ये 9 इंची का होता है, येलो कलर का होता है। दोस्तों, हम वॉल पुट्टी को दीवार पर जो लगाएंगे तो इसकी लेयर हम चढ़ाएंगे 3 mm मोटी, यानी 3 mm, कम से कम 3 mm, और ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ज़्यादा चढ़ाएंगे उतना डिज़ाइन उबड़ खाबड़ अच्छे तरीके से बनेगा, उभरा हुआ। जिस तरीके से मैं आपको लेयर चढ़ाकर दिखला रहा हूँ, इसी तरीके से आपको मोटी मोटी लेयर चढ़ानी है। और फिर रोलर की मदद से, देखिए दोस्तों मैं किस किस तरीके से रोलर चलाता हूँ, इसी तरीके से आप डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। पहले हम ऊपर से नीचे को चलाएंगे और फिर दाएं बाएं को चलाएंगे इस तरीके से, ऐसे, यानी कि काट पीट कर रोलर को चलाएंगे। इसको बोलते हैं कटिंग करके रोलर को चलाना। ऊपर को करके हम इसका डिज़ाइन छोड़ देंगे। ये दोस्तों कोई भी हम चीज़ ले लेंगे। मैंने जो है पत्थर का पीस लिया है छोटा सा, कोई भी ले सकते हैं आप, लकड़ी का ले सकते हैं, पत्थर का ले सकते हैं, या घर के अंदर से कोई भी सामान ले सकते हैं इस तरीके से डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम दोस्तों ये कोने कोने बनाते हुए चलेंगे, यानी कि नमक पारा मालूम होता है दोस्तों, जैसे नमक पारा होता है या कोई और डिज़ाइन। तो इस तरीके से हम आसानी से बना लेंगे इस डिज़ाइन को। ये देखिए बहुत ही ईजी है दोस्तों इस डिज़ाइन को बनाना। ये जोड़ किस तरीके से ख़त्म करना है दोस्तों, मेरे डिज़ाइन में कभी भी जोड़ नहीं आता। जो मैं आपको डिज़ाइन बनाकर दिखलाता हूँ तो दीवार पर उसका कभी भी जोड़ नहीं आता। आप आसानी से इस तरीके से जोड़ को ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, रोलर से कटिंग करके जो है चलाना इसको, यानी कटिंग करते रहना है, कभी इधर को चलाना कभी उधर को चलाना, तो कटिंग होती रहेगी। और ऊपर को करके जो है दाने को जो ऊपर को करके छोड़ेंगे हम इस तरीके से। अब वहीं से जहां से हमने डिज़ाइन को छोड़ा था वहीं से हम बनाना शुरू करेंगे। दोस्तों आप बहुत आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है दोस्तों, ये डबल सेट डिज़ाइन है, कंप्लीट करके दिखलाएंगे आपको। दोस्तों बहुत सारे व्यूवर्स मालूम करते हैं कि इंतज़ार मलिक जी आप वॉल पुट्टी कितनी टाइट रखते हैं या पतली रखते हैं। दोस्तों जिस तरीके से हम दीवार के ऊपर पुट्टी लगाते हैं उसी तरीके से नॉर्मल पुट्टी हमें बनानी है। ये दोस्तों मैंने रेगमाल लगाया है, ये 80 नंबर का रेगमाल है। ये कौन कोट का 80 नंबर का रेगमाल आता है, सेंसुरी रेगमाल। इसको हम हल्के हल्के हाथ से लगाएंगे, जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको हम जो है आधा जो है घिस लेंगे, आधा हमको ख़त्म कर लेना है। और ज़्यादा ख़त्म नहीं करना, वरना फिर रोलर का शेड जो ऊपर से वो अच्छा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें घिसना है। और ये दोस्तों मैं जो लगा रहा हूँ ये कलर जो है ये मिड बफ है, मिड बफ कलर है दोस्तों ये। आप कंप्यूटर पर जाएंगे और स्क्रीन पर मैंने इसका कोड नंबर भी लिखा हुआ दे दिया है। ये जो मैं लगा रहा हूँ दोस्तों ये सूज पॉलिश ब्रश है, यानी जूता पॉलिश करने वाला ब्रश। जूता पॉलिश करने वाले ब्रश से हम क्यों लगाते हैं दोस्तों, इससे आसानी से लग जाता है, जल्दी लग जाता है और मटेरियल भी हमारा बहुत कम लगता है। यानी कि जिस दीवार पर आपको उम्मीद ना हो कि 1 लीटर पेंट में ये दीवार नहीं हो सकती, पेंट कम पड़ जाएगा, तो जूता पॉलिश ब्रश से उस दीवार को 1 लीटर पेंट से कंप्लीट कर सकते हैं और उसमें से बच भी जाएगा और हमारा वक्त भी बचेगा, हम जल्दी से कर देंगे। देखिए दोस्तों मैं पूरी दीवार को मिड बफ पेंट लगा चुका हूँ। अब ये जो मैं रोलर की मदद से लगा रहा हूँ दोस्तों, ये है गोल्डन मेटेलिक, यानी कि रॉयल गोल्ड पेंट मैं लगा रहा हूँ दोस्तों। हमने इसमें 200 ग्राम पानी मिलाया है 1 लीटर में, यानी कि 1 लीटर पेंट में 200 ग्राम पानी मिलाया है। और अब हम रोलर की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथ से ऊपर ऊपर चलाएंगे।
एक बार चलाएं, दो बार चलाएं, तीन बार चलाएं, कितनी भी बार चला सकते हैं रोलर को दीवार पे, जब तक अच्छे से ना आ जाए। और आड़ा टेढ़ा किधर से भी चला सकते हैं दोस्तों। जब हमारा पूरा भर के डिज़ाइन आ जाए यानी कंप्लीट गोल्डन लग जाए तब हम उसको बस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मैं रोलर को लगा रहा हूँ, रोलर को चला रहा हूँ, इसी तरीके से रोलर आपको भी चलाना है। आप आसानी से इसके ऊपर शेड लगा सकते हैं गोल्डन का। ये हमारी वॉल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, गोल्डन शेड लग करके कंप्लीट हो चुकी है। कुछ इस तरीके से इस दीवार का लुक आया है दोस्तों। और ये है दोस्तों टचवुड पीयू, टचवुड लगा सकते हैं आप, क्लियर वार्निश लगा सकते हैं। ये क्लियर वार्निश और टचवुड जो है दोस्तों, ये पॉलिश करते हैं वुडेन पे, यानी लकड़ी के ऊपर जो पॉलिश करते हैं हम, उसमें लगाई जाती है। तो ये हम दीवार के ऊपर लगाएंगे तो ये दीवार वाटरप्रूफ हो जाएगी, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी और उसमें शाइनिंग आएगी, चमक आएगी बहुत, ये लग्जरी हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसमें तारपिन का तेल भी मिला सकते हैं और थिनर भी मिला सकते हैं। थिनर मिलाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा और चमक भी ज़्यादा रहेगी। ये देखिए दोस्तों, हम कंप्लीट कर चुके हैं दीवार को, पूरी पे हम जो है टचवुड पीयू लगा चुके हैं। अब ये दीवार हमारी चमकदार बन चुकी है और वाटरप्रूफ हो गई है। यूँ समझिए कि हमने इसके ऊपर लेमिनेशन कर दी है। हाँ, ये वाटरप्रूफ है, इस दीवार को धो भी सकते हैं पानी से और खूब पानी इसके ऊपर चला भी सकते हैं। ये कंप्लीट काम हमारा हो चुका है दोस्तों, यानी कि कंप्लीट हमने वॉल कर दी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत वॉल बन के तैयार हुई है। आप दीजिए मुझे इजाज़त, मैं चलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।